केवल की फेवरेट डेजर्ट है, आप देख लो, नाम पढ़ के देख सकते हैं। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम आ चुके ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। आज हमारी छुट्टी है और अभी सुबह के कुछ बज चुके हैं 11। मोस्टली हम हमारी ग्रोसरी शॉपिंग छुट्टी के दिन ही करने के लिए आते हैं। और एक अच्छी बात यह है यहाँ की कि ये आज तक 24/7 ओपन रहता है और संडे को अराउंड 10 to 5 ओपन रहता है। जैसे कि इंडिया में बिग बाज़ार, डीमार्ट, ये सब बड़े बड़े शॉपिंग ग्रोसरी मॉल होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी आजदा है, टेस्को है, लिडल है, सेंसबरी है, पर हमारा फेवरेट आजदा है क्योंकि यहाँ पे सारी घर की चीज़ें, ग्रोसरी सब वगैरह रिजनेबल प्राइस भी मिल जाता है और ये हमारे घर के पास में भी पड़ता है। यहाँ पे और भी तरीके के एप्पल हैं, सबकी प्राइस अलग अलग है, डिपेंड ऑन क्वालिटी। 1 pound 60 के अंजलि ने आपको दिखा दिए, वहाँ पे 2 pound वाले भी दिखा दिए, यहाँ पे आगे 99p वाले भी है ऑलमोस्ट 1 pound के, और यहाँ पे 2 pound 20 के भी है, ये और ज़्यादा प्रीमियम है। और ये तो सेम ही है 1 pound 60, पर ये ग्रीन वाले हैं। और ये लूज बनाना 1 pound यहाँ पे अवेलेबल है, ये बनाना 1 pound 19 pence। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कुछ 3 pound की है, 400 ग्राम है। ये रेड ओनियन कुछ 95 pence है और ब्राउन ओनियन है कुछ 1 pound के, लेकिन हम लोग मोस्टली रेड ओनियन प्रेफर करते हैं। यहाँ कुछ 1 pound 25 pence में 2.5 kilo आलू मिल जाएंगे। और ज़्यादा प्याज अगर आपको चाहिए फैमिली के साथ करते हैं तो ये 4 kilo की सही है, 2 pound 30 pence में मिल जाएगी। यहाँ कुछ 1 pound का है। यहाँ पर मिर्ची कुछ 1 pound 20 pence की 175 ग्राम है। अदरक यहाँ पे 1.85 के कुछ 500 ग्राम है। और यहाँ पे ये 3 lehsun मिल जाएंगे आपको एक बैग में 75p के। दो तरह के टमाटर हैं, ये कुछ 85 pence के हैं और दूसरे जो ये हैं वो कुछ 1 pound 50 pence। एक ककड़ी मिलती है 79p में। भाई ये देख लो, दूसरी चीज़ों में तो समझ में आता है कि अलग अलग वेराइटीज़ होती है चीज़ों में, पर यहाँ पे दूध में भी इतनी वेराइटीज़ है। यहाँ पे सेमी स्किम्ड है, होल मिल्क है। हम इंडियंस लोगों के लिए तो होल मिल्क अच्छा रहता है चाय बनाने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा फैट वाला रहता है। प्राइस आप देख रहे हो 1.70 pound पर लीटर। और यहाँ पे दूसरे भी है अवेलेबल, यहाँ की प्राइस कोई 2.30 है। यहाँ पर ये 6 pint वाला है 2.15 का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सारे अलग अलग फ्लेवर के योगर्ट से, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे चेरी भी है, स्ट्रॉबेरी भी है। केवल की फेवरेट डेजर्ट है, आप देख लो, नाम पढ़ के देख सकते हैं। और अभी हम यहाँ से दूसरी रो में जा रहे हैं, आगे से हमें अभी थोड़ा राइस वगैरह का भी देखना है। राइस है, ऑयल हो गया, यहाँ पे केचप वगैरह भी। अंजलि देखो तो केचप की प्राइस क्या है। टोमेटो केचप की छोटी बोतल 2 pound में अवेलेबल है, मायोनीज 3 pound का है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे राइस भी है, यहाँ पे लाला राइस है, बासमती राइस है। ये वाले राइस हमको ज़्यादा पसंद है, ये कोहिनूर बासमती राइस है, अपना इंडियन वाला टेस्ट आता है। अंजलि कितना केजी का है? 5 kg। हाँ ये 5 kg। और इसका प्राइस क्या है देखो तो? 10 pound। हाँ उसके 5 kg का कुछ 10 pound है, सही रेट है, मतलब कुछ महंगा नहीं बोल सकते। बासमती राइस का इतना तो प्राइस रहता ही है। यहाँ पे और भी तरीके के राइस है, आप देख सकते हो, एक बार छोटा पैकेट लेके ट्राई करो कौन सा अच्छा लगता है। हमने काफ़ी बार ट्राई किया, उसके बाद हमें ये बासमती राइस ही अच्छे लगते हैं कोहिनूर के। यहाँ पर ऑयल भी है, यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल भी है और साथ में ये वेजिटेबल ऑयल जो अंजलि ने भी लिया। हम वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, दोनों 5 liter है, प्राइस दोनों की सेम है 9 pound। तो आप कोई सा भी ले सकते हो जिस हिसाब से आप घर पे खाना बनाते हो। और ये देखो इंडियन मैगी भी हमारी यहाँ पे मिल रही है, तो इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं अगर आप आ रहे हो। हाँ और यहाँ पे बाकी सब नूडल्स भी अवेलेबल है जैसे कि आप देख सकते हो, या वहाँ पे आगे रेडीमेड नूडल्स भी मिलते हैं। कुछ भी नहीं करना आपको, घर पे पानी गर्म करना है, उसमें डालो, सीधा 2 minute में बन के रेडी हो जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे सारे जूसेस अवेलेबल है, यहाँ पे रूबिकॉन का लाइची जूस है, वहाँ पे पैशन फ्रूट है, यहाँ पे आगे ये मैंगो जूस है, ये वाला गुआवा है, ये सारे जूसेस अवेलेबल है। नीचे लेमोनेड वगैरह भी रहते हैं और यहाँ पे ये कैंस में भी अवेलेबल है। हमारे फेमस बिस्किट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, पार्ले जी, मोनाको, क्रैक जैक, हाइडेंसी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे फ्रोजन पिज़्ज़ा अवेलेबल है और काफ़ी सस्ते में भी है, 2.50 का एक पिज़्ज़ा है।
सस्ते हैं, मतलब बाहर से आप लेने जाओगे तो 7 या 8 पाउंड का एक पैकेट मिलता है मीडियम साइज। तो इसका टेस्ट अच्छा रहता है, हमने एक दो बार ट्राई किया था। हम ज़्यादा पिज़्ज़ा नहीं खाते उतना, पर अगर आप पिज़्ज़ा खाते हो तो यहाँ से आप ले सकते हो, आज़दा में से काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ में मिलते हैं। और ये देखो स्टूडेंट के लिए, अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है या घर पे पराठे बनाना नहीं आता है, तो ये जो है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। ये फ्रोजन पराठे आते हैं, लेकिन ये आप इजीली बस तवे पे बना के खा सकते हैं। हाँ, जल्दी बन जाते हैं, जैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ पे दूसरे और भी तरीके के पराठे अलग अलग है, और यहाँ पे आगे देखो ये सबसे बेस्ट लग रहा है मेरे को, यहाँ पे ये फ्रोजन समोसास भी है। तो आप घर पे जाके बस इसको सीधा तलना है और कुछ नहीं करना है, और खाना है, और खाना है, खाना बेस्ट। और यहाँ पे आगे फ्रोजन जिंजर है, गार्लिक है, करेले, यहाँ पे करेले भी है फ्रोजन, यहाँ पे कटी हुई भिंडी भी है ताज की, और आगे आइस वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे सब मिल जाता है। अच्छा है, मतलब ये फ्रोजन डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। आपको ये इसमें ऐसा है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिलेगी। हाँ देखो, रोटी भी है आपको सिर्फ तवे पे गरम, हाँ तवे पे गरम करनी है आपको। जिसको अगर रोटी गोल बनानी नहीं आती, अगर किसी की शादी गलती से कोई ऐसी लड़की से हो गई जिसको रोटी बनानी नहीं आती सिर्फ मैगी बनाती है, तो उसके लिए ये फ्रोजन वाला सेक्शन बेस्ट है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, आज़दा में सारी बेसिक मेडिसिन अवेलेबल है। यहाँ पर बैंडेज भी मिल जाएगी, अगर आपको कफ हो रहा है तो कफ सिरप भी मिल सकता है। यहाँ पे आगे डीप फिट करके ये जो है, आपको पास में से दिखा देता हूँ, ये बैक पेन के लिए बहुत सही है। और भी काफ़ी सारी, अगर आपको थोड़ा बहुत फीवर है, कुछ छोटी मोटी बीमारी है, तो यहाँ से वो ठीक हो सकती है। मतलब यहाँ पे उसकी बेसिक मेडिसिन मिल जाएगी। पर आपको कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप बाहर की फार्मेसी से ही लें, क्योंकि वहाँ पर उनकी गाइडेंस से लेना अच्छा रहता है। वरना यहाँ पर बेसिक चीज़ों के लिए आज़दा में से मेडिसिन सही है और प्राइस भी कम है। यहाँ पे आज़दा में 3 डिपार्टमेंट्स हैं, एक वहाँ पे ग्रोसरी का हो गया, एक तरफ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पिलोज वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह भी है, और यहाँ पे आगे घर का सामान भी है। यहाँ पे कुकर वगैरह मिल जाएगा, सैंडविच मेकर मिल जाएगा, और भी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कुकर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ये एक डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए, जो किचन का सामान और सब घर का सामान मिलता है यहाँ पे। और तीसरा एक सेक्शन है जो ऊपर है, वो क्लोथ्स का है, वो भी हम आपको बाद में दिखा देंगे। ये देख लो, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं जो कि किचन में यूज़ होते हैं। ये पानी गर्म करने के लिए है, यहाँ पे वो ब्रेड मेकर है, यहाँ पे वो आगे सैंडविच मेकर है, सब कुछ है। जो मैं तीसरा डिपार्टमेंट आपको बता रहा था, जो क्लोथ्स का सेक्शन है, यहाँ पे देखो छोटे बच्चों के कपड़े हैं, यहाँ पे लड़कों के लिए पैंट्स वगैरह भी है, ये उनके लिए टी शर्ट्स है, हुडीज़ है, और यहाँ पे नाइट में पहनने के लिए ये जो सारे ट्रैक्स वगैरह है, और यहाँ पे आगे लड़कियों का भी है पूरा, यहाँ पे देखो उनके लिए भी नाइट शूट वगैरह सब कुछ है, आगे वहाँ पे जूते वगैरह सब है, अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। और यहाँ पे अभी देखो सेल चल रहा है, तो आप अगर अभी भी लंदन में रह रहे हो तो आप आ सकते हो, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो हमारी आज की शॉपिंग यहीं पे ख़त्म हो चुकी है, और हमने सारी चीज़ें नहीं खरीदी, हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी हमने उतनी चीज़ें खरीदी है, पर आपके लिए हमने सारी चीज़ों का ब्लॉग बनाया ताकि आपको सब चीज़ों का प्राइस पता चले। जो इंडिया से आने वाले हैं यहाँ पर, और जो अभी इंडिया से अभी जस्ट आए हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगी। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका वीकली, अगर आप कपल हो तो आपका ग्रोसरी का कुछ 60 पाउंड के अराउंड होगा, और अगर स्टूडेंट हो तो आपका कुछ अराउंड 30 पाउंड या उससे भी कम में हो सकता है। वो डिपेंड कि आप क्या खाते हो, किस हिसाब से चीज़ें खरीदते हो, उस हिसाब से आपकी प्राइस रहेगी। बने रहे हमारे चैनल पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना। हाँ, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।